गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे इज फ्राइडे एंड टुडे इज 13th ऑफ अक्टूबर। तो यस, आज का दिन का शुरुआत में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वाला हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। और खुश क्यों हूँ, मतलब कल मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, आपको कल वाले ब्लॉग में अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। कल मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वाइट सीमेंट से ना, मतलब आजकल बहुत देख रही थी मैं, बहुत लोग बना रहे हैं इस तरह से वाइट सीमेंट में के पॉट्स बना रहे हैं, उसका टेबल बना रहे हैं, बहुत सारा चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वाइट सीमेंट के साथ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, और ट्राई किया कल। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या ट्राई किया है। तो यस, ये छोटा सा एक टेबल बनाया है मैंने इस तरह से। ये कहीं पे भी आप रख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है इस तरह से। अगर रख दिया तो कहीं पे भी, कॉर्नर में, किचन में, किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं। इवन डाइनिंग टेबल के ऊपर सेंटर पीस बना के रख सकते हैं। तो ये एक्चुअली दिख, मतलब इतना अच्छा निकल के आया है ना, मैं बहुत खुश हूँ। और एकदम मतलब बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। कुछ काम करते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो आपको खुशी मिलती है ना। जैसे कोई एग्जाम दिया और आपका रिजल्ट अच्छा आया तो बहुत मजा आता है। तो इसको मैंने कैसे बनाया मैं आपको बताती हूँ। जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये स्टिक्स है, पूरा लकड़ी का स्टिक है। और ये था मेरा डांडिया स्टिक, पिछले साल मैंने यूज किया था। तो उसको मैंने, अब मेरे पास वो काटने वाला वो है, सॉ बोलते हैं ना, छोटा सा वो किट है मेरे पास, तो उससे मैंने इसको कट किया। फिर तीन इसका लेग्स बनाया, और इसके बाद ये प्लास्टिक, ये सॉरी वाइट सीमेंट को घोल के, और मैंने एक पुराना डब्बा था उसके ऊपर डाल दिया। और ये देखिए इतना सुंदर ये बन के आया है ना। बस इसको कलर कर देंगे ना तो ये और अच्छा लगेगा। फिलहाल तो ये ऐसे ही देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं तो एकदम खुश हूँ इसको देख के। इसका रिजल्ट तो मैं और बनाऊंगी और तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करूंगी। फिलहाल बज रहा है 9, शौरा गया स्कूल, और ब्रेकफास्ट में मैंने अभी बस एक गिलास दूध पिया है। और आप आज मिल लीजिए, थोड़ा आज छुट्टी वाला दिन है तो हेलो कर दीजिए। हाय गाइस, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है चैनल? चैनल नहीं, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, एकदम फैंटास्टिक। चैनल तो अच्छा चल ही जाएगा। मैं तो फैंटास्टिक हूँ। तो आज छुट्टी है तो डीआईवाई वाला टेबल बन चुका है बहुत। हाँ, आपको कैसा लगा मेरा टेबल? अच्छा, नाइस। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा बन सकता है, ऐसा छोटा में बन गया है तो बड़ा टेबल भी बन सकता है। अब मुझे हो सकता है फर्नीचर खरीदने की जरूरत ना पड़े। जब भी टेबल चाहिए होगा तो बोलेंगे टेबल खुद बना दो, यूज करेंगे। नहीं, सही बात है। एक्चुअली जब कुछ चीज बन जाता है ना अच्छा, तो बहुत मजा आता है और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कि एक तो वो डीआईवाई बनाई हूँ, बस उसको थोड़ा पेंट करना हो, और वो थोड़ा टेढ़ा बन गया है। मतलब पहली बार बनाया था तो उतना अंदाज नहीं मिला, तो थोड़ा टेढ़ा बन गया है, बट ठीक है, पहला बार बनाया है तो ये सब चलता है। और उसके साथ साथ मैंने एक और डीआईवाई स्टार्ट किया है, पहले आपको दिखाया था, बट मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसको। मैंने ऐसे इस तरह से पूरा कवर किया है, इसका एक बनाया है, और मेरे पास ये जो गोटा था ना ये खत्म हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ और लेके आऊंगी। उसके बाद बाकी जो वेस्ट चूड़ी होता है, जो चूड़ी नहीं पहन रहे हैं उससे, और मैं थोड़ा सा बीच में इसमें गोटा वगैरह लगा के एक वॉल हैंगिंग टाइप प्रिपेयर करूंगी। तो वो वाला डिजाइन को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, तो इस तरह से कर दिया तो ये ज्यादा सुंदर लग रहा है। बस बीच में इसमें गोटा लगा के, और मेरे पास कुछ पॉम पॉम्स है तो उससे एक छोटा सा वॉल हैंगिंग बना लूंगी, तो दिवाली में ये लगाने के लिए अच्छा लगेगा। और ये छोटा सा जो टेबल बनाया है वो भी अच्छा लगेगा, उस पे उसको यूज कर सकते हैं पूजा में, या क्योंकि वो नया ही बना है तो पूजा में यूज कर सकते हैं। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा, क्या चल रहा है? आज फ्राइडे है, वीकेंड का क्या प्लान्स है और क्या करेंगे, तो वो सब बताइएगा। हमारा क्या प्लान है वो तो आप देखते रहिए, कुछ देर में आपको पता चलते चलेगा। मेरे साथ चलिएगा जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी या मैं जो जो करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको थोड़ा भी कुछ पसंद आता है मेरे व्लॉग में तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
तो यहाँ पे मैं आज, क्योंकि फ्राइडे था और 13 था, क्योंकि मुझे नवरात्रि का सामान लेना था, तो मैं यहाँ पे मार्केट में आ गई। आप देख सकते हैं पूरा मार्केट में रौनक लगी हुई थी, इतना सारा सामान था, इतना कुछ मिल रहा था, मतलब आप देख के परेशान हो जाइएगा कि इतना आइटम्स है। तो मैं, मुझे तो खैर थोड़ा मोड़ा ही सामान लेना था, माता का चुन्नी और थोड़ा कपड़ा, यही सब मैंने लिया, जो ज़रूरत का सामान था वही लिया। मन भटकता तो बहुत है, बट हाँ जो ज़रूरत है वही लें, फिजूल खर्ची ना करें। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि थोड़ा वीडियो निकाल लीजिएगा। ये देखिए कितना सारा यहाँ पे वैरायटी ऑफ सामान था। ये शॉप में ही मैं लेती हूँ जनरली, तो यहाँ पे हर कुछ मिल जाता है, भगवान से रिलेटेड उनका कपड़ा सब कुछ, बहुत सारा चीज़। नीचे में फैंसी स्टोर है और ऊपर में, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए कुछ खाने, क्योंकि भूख लग रही थी। तो हम गए एक नया शॉप यहाँ खुला था, तो ये कोई, यहाँ पे हमने बर्गर खाया और कुछ कोल्ड कॉफ़ी पिया, और बस फ्राइडे का स्टार्ट ऐसे ही किया हमने, क्योंकि मैं ना 13 तारीख को ही लेके आ गई, मतलब आज के ही दिन लेके आ गई, क्योंकि 15 से नवरात्रि था तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, और फिर जाने का मौका नहीं मिलता, तो मैं आज ही सारा सामान लेके आ गई थी, एक्सेप्ट जो फ्लावर्स होता है ना, क्योंकि वो बासी हो जाएगा, फ्लावर्स नारियल वगैरह तो मैं बाद में ही लेके आई। बाकी जो सामान था वो सब मैंने आज ही फ्राइडे को ही ले लिया था, क्योंकि मंडे से फिर पूजा था, तो संडे से पूजा था, तो मैंने सोचा कि पहले ही लेके आ जाते हैं, और जो भी सामान ज़रूरत था वो सब का तैयारी कर लिया। और फिर यहाँ पे मैंने अपना अपना बर्गर इंजॉय किया, बहुत टेस्टी था, और इसी तरह थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और ऐसे ही ये सब करके खा पी के हम लौटे। फिर हो गया था 12:30, 12:30 बजे फिर उसके बाद आके खाना का तैयारी किया, क्योंकि शौर्य फिर स्कूल गया था, तो उसके आने के बाद उसको खाना का चाहिए, तो फिर ये सब करके खाना वाना बनाया, फिर रिलैक्स किया। तो आज खाने बन रहा था चना, काला चना, तो बस वही जो प्रोसेस है प्याज गलाने का वो किया, फिर उसके बाद बेसिक मसाला, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, हल्का धनिया, गरम मसाला, जीरा पाउडर, ये सब डाला। फिर आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया, मैंने इसमें खटाई के लिए यहाँ पे थोड़ा टमाटर भी डाला, तो टेस्ट तो अच्छा आया था। पहली बार मैंने टमाटर डाल के ट्राई किया तो टेस्ट अच्छा लगा, और इस तरह से नया नया तरीके से ट्राई करने में अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं, क्योंकि बच्चे बोर हो रहे थे, तो ये यहाँ पे मैं क्या किया ना, पिस्ता जो शेल्स होता है ना, उससे मैंने एक क्राफ्ट बनाया और बच्चों को इन्वॉल्व किया, ताकि बच्चे इधर उधर टाइम पास करने से अच्छा है कुछ चीज़ में लग जाएं। तो यहाँ पे मैं देखिए इसका एक क्राफ्ट बना रही हूँ, तो पिस्ता शेल्स को फ्लावर के रूप में लगा दिया, फिर उसके बाद उसको पेंट करने के लिए दोनों बच्चों को लगा दिया, तो इस तरह से ये एक काम हो गया। और फिर क्या आपको क्या बताऊँ, फिर आया मेरा बर्थडे गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था मेरे लिए, और मैं तो शौक ही रह गई, दोनों बर्थडे गिफ्ट मुझे इतना पसंद आया कि, मतलब ये था, ये एक ब्रेसलेट उन्होंने ऑर्डर किया था, जो कि मैं, मुझे एकदम से अनएक्सपेक्टेड था, तो बहुत अच्छा लगा। ये कभी आप वेस्टर्न पे ही पहन सकते हैं या फिर कैसे भी पहन सकते हैं इसको, तो हर तरह से अच्छा लगा, क्योंकि इसका कलर बहुत सुंदर है। और उसके साथ एक आया था बॉटल, और ये देखिए मुझे वो पहना रहे हैं, दिखा रहे हैं, मैं ये दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है, इसका कलर बहुत सुंदर था, फिर मैंने इसको पहन के देखा तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, और मतलब मज़ा ही आ गया, खुशी मिल रही थी मुझे। और यहाँ पे ये पहन के हमने देखा, थोड़ा सा इसमें सेटिंग लूज़ टाइट करने का है, आपको लूज़ कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, आपके हाथ के हिसाब से है। और ये तो था मेरा पहला बर्थडे गिफ्ट, और उसके बाद एक और चीज़ आया था जो कि मेरा अनएक्सपेक्टेड था, तो उसमें एक बॉटल था जिसमें कि मेरे फ़ोटोज़ प्रिंटेड थे, और अंदर में उसमें लाइट भी जला सकते हैं आप, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ अभी। मेरा बर्थडे गिफ्ट पहले आ गया। अच्छा, वो जो फोटो में था इसकी पीछे वाला लाइट वाला एलईडी लाइट्स होता है ना, वो अंदर लाइट डाल के ऐसे रखा जा सकता है। थैंक यू। वेलकम। तो मैंने नवरात्रि के लिए आज ही जाके शॉपिंग कर लिया, और आज ही सारा सामान ले आया, क्योंकि कल इनका कुछ काम है और फिर संडे हो जाएगा,
और फिर आज है 13, कल 14, 15 से तो पूजा स्टार्ट है, तो इसलिए मैंने आज ही सारा सामान लेके आ गई। तो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले तो जो जो लिया है मैं एक बार निकाल लूँ। तो पहले मैंने लिया है ये जनेव, जनेव मतलब वस्त्र जो चढ़ाते हैं, पहले तो गणेश जी का पूजा होता है ना उसमें। और ये मैंने लिया है चार ऐसा एरेका पाम का ऐसे बाउल, ताकि इसमें रोली ये सब जो है ना सारा कुछ इसमें मैं रखूँ। ये हो गया पहला। फिर मैंने लिया है कलश में डालने के लिए हल्दी गांठ, ये 5 हल्दी गांठ इस तरह का। ये हो गया सेकेंड चीज। फिर लिया है मैंने 5 सुपारी, 5 कौड़ी सुपारी, और ये इस तरह का कौड़ी, कौड़ी होता है ना कौड़ी, ये लिया है, ये सब चढ़ाने के लिए है। फिर क्या लिया है मैंने, लौंग इलायची, ये दोनों चढ़ेगा, लौंग इलायची। और मैंने लिया है ये गोमती चक्र होता है ना इस तरह का, ये 5 लिया है। ये सब चीज चढ़ता है दुर्गा माँ पे। और ये चावल कलश वगैरह में, कलश वगैरह के नीचे रखने के लिए। फिर और भी हाँ, फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जौ। ये लिया है, ये करीब मैंने 100 ग्राम लिया है, 100 ग्राम आई थिंक। ये हो गया। फिर एक लिया है मौली, और एक नारियल, बट ना ये नारियल ना थोड़ा सा क्रैक्ड है, बट आई डोंट नो ये यूज कर सकते हैं कि नहीं, मैंने उसमें देखा नहीं, तो देखते हैं। ये नारियल, और एक और इम्पोर्टेंट चीज लिया है ये अलग अलग कलर्स में, ये लिया पिंक, एक येलो, एक रेड और एक चुन्नी। ये 40-40 रुपए का दिया है यहाँ पे, और एक चुन्नी लिया है, नया चुन्नी डालते हैं। ये चुन्नी लिया, ये 35 रुपीज का चुन्नी है ये माता के लिए। और एक मैंने छोटा सा माला लिया है। ये हो गया श्रृंगार का सामान। और एक नेल पॉलिश मैंने ऐसे लिया है, बहुत मन था, बट ये नेल पॉलिश मुझे मिला है 75 रुपीज का, एक है पता नहीं कौन सा ब्रांड है, बट मुझे ब्लू कलर मन था तो मैंने ले लिया। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान ये है, इसमें जौ रखेंगे, ये मैंने लिया, ये 140 रुपीज का है, और उसको मैं पेंट करूंगी। तो मैं सोच रही हूँ आज ही पेंट करके इसको रख दूँ रेडी करके, और फिर उसके बाद मैं मिट्टी भी रेडी करके रखूंगी, सारा कुछ रेडी करके रखूंगी, 14th को ही सारा रेडी कर लूंगी। तो ये पेंट करेंगे आज। बस ये था मेरा छोटा सा नवरात्रि का शॉपिंग, और कैसा लगा बताइएगा, आप लोग का नवरात्रि का तैयारी कैसा चल रहा है, और करते हैं क्या क्या करते हैं जरूर बताइएगा। मैं तो बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ इसी तरह से। बस ये सब करने के बाद मैंने सोचा कि जो मैंने टेबल बनाया था स्मॉल छोटा स्टूल, उसको मैंने कलर कर लिया यहाँ पे फटाफट, थोड़ा मेटालिक कलर से कलर किया ताकि अच्छा लुक आए। और बस ये काम जो था किया था स्टार्ट, उसको फिनिश कर दिया। Thank you.
वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।